ये बड़ी खबर है, सीहोर से बोरवेल में गिरी बच्ची को बाहर निकाला गया है। ये बड़ी खबर, कल दरअसल दोपहर को बच्ची बोरवेल में जा गिरी थी। शुरुआत में करीब 30 फीट पर फंसी थी, लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा, कंपन की वजह से बच्ची काफी नीचे चली गई। करीब 100 फीट गहराई तक बच्ची जा पहुंची थी। और अब बड़ी खबर इस वक्त की, बच्ची को बाहर निकाला गया है। 27 घंटे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला और शुरुआत स्थानीय प्रशासन की टीम ने की, लेकिन बाद में सेना की मदद ली गई इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और आखिरकार कामयाबी मिली है बच्ची को बाहर निकालने में। ये बड़ी खबर है सीहोर से। न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हुए। वासु, क्या अपडेट है, क्या जानकारी? अच्छी बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण में है और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बच्ची तक जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच गई है और किसी भी वक्त बच्ची को बाहर निकाला जा सकेगा। अजय से मैं कहूंगा, अजय आप विजुअल्स में थोड़ा सा वहां पर दिखाने की कोशिश करिए कि अंदर क्या स्थिति है। एक्चुअली जो जिस तरीके से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, यहाँ पर ये कोशिश की गई है कि पूरा जो बच्ची है उसको यहाँ पर पूरी तरह से कवर अप करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी दूर से आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं बोरवेल के पास जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 27-28 घंटे लगातार ये मशक्कत चली है और उसके बाद अब यहाँ पे बच्ची को किसी भी पल बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन बच्ची की क्या स्थिति है उसको फिलहाल जो है वो जाहिर नहीं किया जा रहा है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे लगातार कर्टन जो है वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, कर्टन से कवर किया जा रहा है ताकि पहले बच्ची का स्वास्थ्य प्रशिक्षण हो सके। और आपको दूसरी ओर मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए बोरवेल के ठीक बाजू में एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर, देखिए एम्बुलेंस लाई जा रही है और एम्बुलेंस को पूरी तरह से यहाँ पर बोरवेल के पास लगा दिया गया है और एम्बुलेंस को यहाँ पर पूरी तरह से बोरवेल के पास यहाँ पर लगा दिया गया है और जो पुलिस कर्मी है वो जरूर यहाँ पर मीडिया को थोड़ी दूर यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरी अभी सूरत हाल है, किसी भी वक्त सृष्टि बाहर आ सकती है और ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त का है। आर्मी ने ऑपरेशन को पूरी तरह से अपने हाथ में लिया था और उसके बाद बच्ची को बाहर निकालने में लगभग कामयाबी मिल चुकी है। हालांकि देखिए शासन प्रशासन के जो अधिकारी है वो फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इनपुट्स हमें मिल रहे हैं वो यही है कि बच्ची तक रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और बच्ची को किसी भी वक्त बाहर यहां पर लाया जा सकता है। और यही वजह है कि जो बोरवेल वाला इलाका है जहां पर बच्ची फंसी हुई थी उसे पूरी तरह से अब यहां पे कर्टन्स से कवर कर दिया गया है, यहां पे बैरिकेटिंग जो है उसको भी यहां पे बढ़ा दिया गया है और बड़ी संख्या में यहां पे जो फोर्स है अब वो भी यहां पर लगा दी गई है। बच्ची के जो परिवार के सदस्य हैं वो भी इस पूरे इलाके के अब पास में आ गए हैं, जो अब तक दूर बैठे हुए थे, तो यहां पर जो मूवमेंट है अब वो काफी तेज हो गया है। और सबसे तेज और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 पर यहां पर इस वक्त देख रहे हैं और कोशिश लगातार हम ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो बच्ची है उसकी पहली झलक अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि लंबे समय से सभी लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि बच्ची उनके सामने आए। तो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो लगातार इस पूरे इलाके को कवर अप करने का यहाँ पे काम कर रही है। एक और जो ग्रीन मैट है वो यहाँ पर लगाई जा रही है, तो बच्ची जैसे ही बाहर आएगी तो पहले प्राथमिक तौर पर उसका जो उपचार है वो यहाँ पर दिया जाएगा और उसके बाद ही बच्ची को आगे ले जाया जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि जो जिला अस्पताल इसी ओर का वहां पर बच्ची को ले जाया जाएगा और वहां पर बच्ची का उपचार किया जा सकता है, लेकिन पहले ये देखना होगा कि सृष्टि जब बाहर निकलती है तो उसकी क्या हालात है। थोड़ा सा और मैं यहाँ पे एक अजय से कहूंगा कि आप थोड़ा ऊपर आए और यहाँ से क्या कुछ एंगल आप देख सकते हैं। ये देखिए हम लोग कोशिश लगातार कर रहे हैं सबसे पहले और खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाने की, जो आपको NDRF की टीम के जो लोग हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, रॉड्स
उनके हाथों में ये वही रॉड्स हैं जिसके जरिए बच्ची को ऊपर वहां पे लाया जा रहा है। तो ये वो जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो ये कोशिश है कि जल्द से जल्द बच्ची को अब ऊपर लिफ्ट अप कर लिया जाए और ये कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर लगातार जारी है। देखिए ड्रिलिंग लगातार की जा रही थी लेकिन जब ड्रिलिंग से बात नहीं बनी तो उसके बाद आर्मी को ये पूरा जिम्मा सौंपा गया और आर्मी को सफलता यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में कहीं ना कहीं मिल चुकी है। कुछ क्षणों का और मुझे लगता है कि यहाँ पर अब इंतजार करने की जरूरत है, इंतजार करने की आवश्यकता है। और लगातार देखिए जो रॉड्स हैं उनके जरिए बच्ची को ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। एक हुक आर्मी की ओर से तैयार किया गया था, एक स्पेशल डिजाइन का हुक बनाया गया था और यही माना जा रहा है कि उस हुक के जरिए बच्ची को ऊपर लाने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। तो आप देखेंगे कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। देखिए मैं एक और चीज आपको यहां पे बताना चाहूंगा, जो ड्रिलिंग का काम लगातार अभी चल रहा था, जेसीबी मशीन आपको पोकलिंग मशीन यहां पे नजर आ रही होंगी, इन्हें बंद कर दिया गया, अब ड्रिलिंग नहीं हो रही है। और इसका साफ एक अंदेशा इससे लगाया जा सकता है कि बच्ची जो है वो अब जो हुक मेथड है उसके जरिए शायद बच्ची तक पहुंचा जा चुका है और अब बच्ची को सिर्फ ऊपर लिफ्ट अप करने का जो काम है वो यहां पर चल रहा है और वो भी अब अंतिम क्षणों में है। देखिए जितने भी आला अधिकारी हैं अब वो आपको ठीक उस स्पॉट के सामने वहां पर दिखाई दे रहे होंगे, नजर आ रहे हैं जहां पे बच्ची बोरवेल में फंसी हुई थी। और आप देखिए डॉक्टर वहां पर पहुंच गए हैं और डॉक्टर के हाथ में जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं वो भी हैं और बच्ची को रेस्क्यू कवर अप करने के लिए जो कपड़े और जो जिन चीजों की मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी वहां पे डॉक्टर के हाथ में है। ब्लू कलर के शर्ट में आपको वहां पे डॉक्टर नजर आएंगे, ब्लू कलर के शर्ट में डॉक्टर आपको वहां पर नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में एक कपड़ा भी है और पुलिस के अधिकारी उनके ठीक बाजू में खड़े हुए हैं। तो ये माना जा सकता है कि बच्ची को अब ऊपर लाया जा चुका है, ये कहा जा सकता है। शायद बिल्कुल मुहाने पे जो डोर जो जो अब बोरवेल का जो ऊपरी हिस्सा है वहां तक अब बच्ची को लाया जा चुका है। ये स्थिति अब यहां पर लगभग ये तस्वीरें बन चुकी है और आप बिल्कुल वासु ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और कैमरा इस वक्त सीधा न्यूज 18 का फोकस है उस जगह पर जहां पर बोरिंग है। और जैसा कि वासु बता भी रहे थे कि बिल्कुल आखिरी क्षण में बच्ची को निकालने के आखिरी क्षण चल रहे हैं और तमाम तरफ की जो खुदाइयां चल रही थी मशीनों के जरिए ड्रिलिंग चल रही थी वो भी रोक दी गई है। वासु तस्वीर भी दिखा रहे थे और ये मानकर चलिए कि लगभग निकाल लिया गया है बच्ची को, यानी कुछ अफसर हैं एनडीआरएफ से लेकर आर्मी के अफसर वो उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये बोरिंग है और जहां पर ये बच्ची बोरिंग में गिरी हुई थी। और क्या स्थिति है ये भी साफ नहीं है, 3 साल की ये बच्ची, करीब 27 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, क्या उसकी स्थिति है। डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं, जैसे ही बाहर आएगी बच्ची तुरंत ही परीक्षण होगा, स्वास्थ्य का परीक्षण होगा और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। एक एम्बुलेंस भी वहां पर तैनात कर दी गई है, बिल्कुल अलर्ट मोड पर है एम्बुलेंस, तुरंत ही एम्बुलेंस में बच्ची को अस्पताल ले जाया जाएगा। परिजन भी वहां तुरंत पहुंच चुके हैं जहां पर ये बोरिंग चल रही थी। अचानक से गतिविधियां एकदम बढ़ गई हैं, हालांकि जो मशीनें एक तरफ खुदाई कर रही थी उन्हें जरूर रोक दिया गया है, वो अब यानी कि लगभग तय है कि बच्ची बस बाहर ही आने वाली है। यानी कि अब जो तरीका दूसरा अपनाया गया था, हुक बनाए गए थे, विशेष तौर से हुक बनाए गए थे ताकि बच्ची को कोई चोट ना पहुंचे और उन हुक में फंसाकर बच्ची को ऊपर खींच लिया जाए। आर्मी की टीम आई थी और बताया जाता है कि उसी की कोशिश के जरिए ये हुक बने और उसी के जरिए अब इन हुक के जरिए बच्ची को बाहर निकाला जा रहा है। कुछ ही मिनट संभव है कि बच्ची बाहर भी आ जाए, आशा की जानी चाहिए कि बच्ची सुरक्षित हो। हालांकि 27 घंटे गुजर चुके हैं, लंबा वक्त है, करीब 3 साल की छोटी बच्ची थी, मासूम बच्ची थी और जब चूंकि खुदाई चल रही थी तब जमीन में कंपन की वजह से बच्ची और नीचे चली गई। पहले करीब 30 फीट के आसपास बच्ची फंसी हुई थी लेकिन बाद में 100 फीट गहराई में
जा फंसी थी। खुदाई से संभव नहीं हो पा रहा था, संभव था कि और बहुत ज्यादा वक्त लगता अगर खुदाई के जरिए बच्ची तक पहुंचा जाता तो। लेकिन आर्मी की जब टीम आई और उसने जिम्मा संभाला और उसने खास तौर से हुक बनाए, विशेष तरीके के हुक बनाए, जिससे अब बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश थी वो आखिरी क्षणों में है अपने अंजाम तक पहुंचती हुई ये कोशिश। बस यही दुआ की जानी चाहिए कि बच्चे सुरक्षित हो। वासु चौरे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, क्या और घटनास्थल से कुछ और अपडेट आपके पास? वासु, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो पूरा ऑपरेशन है सृष्टि को बचाने की, जो रेस्क्यू की कोशिश थी, जो मुहिम थी, वो अब बिल्कुल अपने अंतिम क्षणों में पहुंच चुकी है। जो डॉक्टर्स की टीम है, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम है, वो बिल्कुल बोरवेल के पास वहां पर मौजूद है, बनी हुई है। और जो इनपुट हमें मिल रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट काफी तेज हुआ है, उससे साफ जाहिर है कि अब बेहद करीब है बच्ची को बाहर लाने के। लेकिन अभी भी पहली झलक अगर हम बात करें सतह पर, वो सृष्टि की अब तक नहीं मिल सकी है। और डॉक्टर्स से लेकर आर्मी के ऑफिसर्स हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ की टीम्स हो, ये सारे लोग बिल्कुल मौके पर मौजूद हैं और किसी भी वक्त बच्ची को बाहर लाया जा सकता है। जो इनपुट है वो यही है कि बिल्कुल पूरी तैयारी है, बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। और उसके बाद अजय आपको वो एम्बुलेंस भी दिखाएंगे जो बिल्कुल बोरवेल से सटाकर एम्बुलेंस लगा दी गई है, और एम्बुलेंस पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही बच्ची को बाहर निकाला जाएगा, उसका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और फिर उसे जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया जा सकता है, ऐसी जो जानकारी है वो फिलहाल यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। लेकिन इस सब के बीच पुलिस ने पूरी तरह से जो बोरवेल वाला इलाका है वहां पे आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है और कर्टन से भी अब कवर कर दिया गया है। कोई शायद ये प्रशासन की कोशिश है कि स्वास्थ्य प्रशिक्षण हो जाए बच्ची का और उसके बाद ही जो पहली झलक है वो सामने आए। लेकिन हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि आपको पूरी तस्वीरें दिखाएं। भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लगातार जो ग्रामीण हैं आप देखेंगे यहाँ पर चारों तरफ जमा हो गए हैं, बैरिकेड्स जो लगाए गए हैं उसके सभी तरफ जो है बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, नजर आपको यहाँ पर आ रहे होंगे। और बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि लगातार दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द वो बाहर देख पाए। और ये भी दुआएं हैं कि वो जब बाहर निकले, षष्ठी जब बाहर निकले तो पूरी तरह से सुरक्षित हो, उसको बहुत ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। हालांकि बहुत लंबे समय से उसका कोई मूवमेंट जो है वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया था और यही चिंता के सबसे बड़े कारण जो है वो इस वक्त बने हुए हैं। फिर भी इंतजार जो है वो अभी अपने अंतिम क्षणों में है और कुछ बड़ा अपडेट किसी भी वक्त निकलकर यहां से सामने आ सकता है। और आप देखें तो जो मूवमेंट है पुलिस का हो, एनडीआरएफ का हो, एसडीआरएफ का हो, वो इस समय काफी तेज है। वो मूवमेंट जो है वो अपने पीक पर यहां पर नजर आ रहा है। जो डॉक्टर हैं वो एकदम पास में मौजूद हैं बोरवेल के और इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्ची जो है वो किसी भी वक्त बाहर आ जाएगी। और देखिए जो बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे थे, अब उनकी भीड़ को भी पुलिस यहाँ से दूर कर रही है ताकि एक क्लियर वे एम्बुलेंस के लिए बनाया जाए। और एम्बुलेंस को फॉलो करने के लिए एक पायलट वाहन भी वहां पर लगा दिया गया है अब, ताकि एम्बुलेंस के रास्ते में किसी भी तरीके का कोई अवरोध ना हो और अगर बच्ची को अस्पताल ले जाना हो तो उसमें कोई भी तरीके की देरी ना हो। तो ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो बहुत भारी भीड़ यहाँ पर ग्रामीणों की जमा हो गई थी, अब उसको पुलिस तितर बितर करने का काम यहाँ पर कर रही है, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और रास्ता जो है वो क्लियर करा जा रहा है और बोरवेल के पास तक लोग ना पहुंचे इसलिए लॉक किया जा रहा है, बैरिकेड्स लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो कोशिश जो है वो अब पूरी तरह से अपने अंतिम क्षणों में यहाँ पर पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त जो सृष्टि है वो अब यहाँ पर बिल्कुल बाहर बिल्कुल तस्वीरें देख भी रहे हैं वासु, आज सराउंडिंग बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा आप बता भी रहे हैं कि कर्टेन भी लगाए गए हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए इस आखिरी क्षणों में रेस्क्यू ऑपरेशन में। लोगों की अब निगाहें बिल्कुल टकटकी जैसी लगी हुई है, जो लोग इस ऑपरेशन में जुटे हुए थे। और ये देखिए आप न्यूज 18 के कैमरे की नजर से, आखिर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आखिरी क्षण है जब बच्ची बाहर आने वाली है। हालांकि बच्ची किस स्थिति में, ये अभी सवाल जरूर है क्योंकि 27 घंटे से ज्यादा का ये ऑपरेशन है।
रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है और बच्ची की बहुत उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 3 साल महज उम्र है बच्ची की और इसीलिए चिंता का सबब भी है। करीब 100 फीट गहराई में बच्ची फंसी हुई थी कुछ वक्त, जैसा कि वासु बता भी रहे थे कि बच्ची का मूवमेंट कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी प्रशांत, आपको ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे थे और ये न्यूज 18 के कैमरे के जरिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल सीहोर की, ये सभी तस्वीरें जो कि अब अंजाम की ओर बढ़ती हुई, सृष्टि को निकालने के लिए तमाम मशक्कत हुई। सबसे पहले एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची थी, एनडीआरएफ की टीम जुटी रही, आर्मी के जवानों ने मोर्चा संभाला और अब ये स्थिति आई है कि किसी भी वक्त इस बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है। मौके पर जिस तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो इसी ओर इशारा करता है कि इस बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकालने का ये जो ऑपरेशन है वो सफलतापूर्वक पूरा होने वाला है। आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस भी यहां पर तैनात है, पायलट वाहन भी तैनात है और लगातार इस मार्ग को खाली कराने की कवायद शुरू हो चुकी है। जैसे ही इस बच्ची को निकाला जाएगा सीधे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा जिससे स्वास्थ्य परीक्षण इस बच्ची का हो सके और उसके बाद इलाज इसे दिया जा सके। 27 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, काफी चुनौतीपूर्ण रहा ये पूरा सफर। जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था परिजनों के मन में भी उम्मीद थी कि जल्द से जल्द इस बच्ची को बाहर निकाला जा सकेगा, लेकिन अचानक से जैसे ही कंपन महसूस हुई ये पाया गया कि बच्ची लगातार नीचे की ओर जा रही थी। पहले 20 से 30 फीट पर होना पाया गया, उसके बाद 50 फीट तक उसकी गहराई मापी गई और उसके बाद ये गंभीर होती गई परिस्थितियां, रोका गया जेसीबी मशीनों को खुदाई से और उसके बाद जब आर्मी के जवान यहां पर पहुंचे तो ये कवायद कि उसे हुक के जरिए ऊपर खींचा जा सके। उसी कवायद की ओर कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि कहीं ना कहीं कंक्लूजन की ओर भी संकेत देती हैं, बता रही हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगभग पूरा होने की कगार पर। तो 27 घंटे तक चलता हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन अब लगता है कि कगार पर पहुंच गया और जल्द से जल्द यह संभावना है कि इस बच्ची को बाहर निकाला जाए। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पुनीत, अगर इस पूरी खबर को हम देखें, शुरुआत से ही चुनौती काफी सारी, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि हुक के जरिए जो कोशिश की गई थी इस बच्ची को लिफ्टअप करने की वो सफल होती हुई, पुनीत वो सफल होती हुई नजर आ रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन ये सटीक जानकारी न्यूज 18 अपने दर्शकों को दे रहा है कि बच्ची अभी निकाली नहीं गई है। जी हाँ, प्रयास चल रहा है और ये प्रयास अंतिम दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि हम तस्वीरें जो देख रहे हैं, अगर बच्ची को निकाल लिया जाता तो सीधे वहां से एम्बुलेंस अब तक रवाना हो चुकी होती, लेकिन अभी तक ये है नहीं, ये आखिरी दौर में है रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, सब लोग मौजूद हैं, रास्ते को पहले क्लियर किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो रेस्क्यू दल है उस बच्ची तक पहुंचने में लगा हुआ है। तो कल दोपहर को बोरवेल में ये मासूम बच्ची गिरी थी, 1:30 बजे के वक्त 2:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक लगातार रेस्क्यू चल रहा है। 100 फीट गहराई में बच्ची जाकर फंस गई, बताया गया कि 300 फीट गहरा यह बोरवेल था। सीहोर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीर सटीक जानकारी के साथ न्यूज 18 आपको दे रहा है, बच्ची को कभी भी निकाला जा सकता है, निकाला नहीं गया है अभी। और यहां हम देख रहे हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं, जैसे ही बच्ची को निकाला जाएगा उसके पहले ये सभी लोग एक तरफ हो जाएंगे और तुरंत एम्बुलेंस में उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं, अब वासु क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए पुनीत, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा था कि ऑपरेशन अपने अंतिम क्षणों में है, एक कुछ खास इक्विपमेंट लेकर यहाँ पर आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उनके हाथ में रस्सियां हैं और एक खास तौर पर डिजाइन किया गया एक हुक भी आपको वहां पर नजर आ रहा होगा, जिसके जरिए शायद मुझे लग रहा है कि बच्ची को अब आगे निकालने की जो कोशिश है वो की जाएगी। आपको यहाँ पर जो आर्मी के जवान, अगर आपको यहाँ तस्वीरों में दिख पा रहे हैं, नजर आ रहे हो, तो वहां पर आप देख
सकते हैं कि कुछ अब एक बार फिर से जो हलचल है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मुझे लग रहा है कि किसी वजह से थोड़ा सा डिले यहाँ हो रहा है बच्ची को बाहर लाने में, बच्ची को ऊपर लाने में। अब इसकी वजह क्या है ये फिलहाल समझ में नहीं आ पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जिस तेजी के साथ ये ऑपरेशन अपने अंतिम क्षणों में पहुंच गया था और हमें अपडेट भी मिला था कि बच्ची किसी भी पल बाहर आ सकती है, उसमें थोड़ा सा यहाँ पर डिले जो है वो देखने को मिला है। और एक बार फिर से जो आर्मी के जवान है वो कुछ इक्विपमेंट्स लेकर एक बार फिर से यहाँ पर जो बोरवेल है उसकी तरफ बढ़े हैं। तो कुछ ना कुछ और वजह है जिसकी जिसके चलते थोड़ी सी और यहाँ पर अब देरी हो रही है, लेकिन इस सबके बीच तैयारियां हैं वो पूरी हैं यहाँ पर, और जो शासन प्रशासन का पूरा अमला है वो पूरी तरह से तैयार है, वो पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। और कैमरे में देखते हुए एक बार फिर से जो रस्सी है वो उसे वहां पे अंदर डाला जा रहा है, जो मॉनिटर है उस पर देखते हुए एक बार फिर से जो हुक्स हैं वो अंदर वहां पर भेजे जा रहे हैं एनडीआरएफ की टीम की ओर से। और इस बीच आर्मी के जो जवान हैं वो भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना और वक्त यहाँ पर लगता है। ये जरूर वहां पर बताया जा रहा है कि बच्ची को काफी ऊपर तक लाने में, लिफ्ट करने में सफलता मिल गई है, और जो डॉक्टर्स पहले अंदर चले गए थे अब वो थोड़ा सा वहां से निकलकर बाहर आए हैं और बाहर की ओर वो बढ़ते हुए यहाँ पर हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ और डिले, कुछ और देरी, थोड़ा सा और इंतजार बढ़ता हुआ अब पुनीत फिलहाल मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन मूवमेंट जो है वो यहाँ पे काफी तेज है, चाहे किसी भी बचाव दल का हो, एनडीआरएफ का हो, एसडीआरएफ का हो, आर्मी का हो, जो मूवमेंट है वो लगातार यहाँ पर काफी तेज है। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो बच्ची है सृष्टि उसको यहाँ से बाहर निकाला जाए। हालांकि कोई भी शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, बात नहीं फिलहाल कर रहे हैं, कोई अपडेट फिलहाल उनकी ओर से नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि मूवमेंट जो है वो एक बार फिर से तेज होता हुआ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। जो रोप है उसको एक बार फिर से यहाँ पे अंदर भेजा गया है, अंदर डाला गया है। अब देखना होगा कि कितना वक्त और यहाँ से लगता है बच्ची को बाहर लाने में। जी पुनीत, बिल्कुल, कितना वक्त लगता है अभी ये तय नहीं है, और यही न्यूज 18 सटीक जानकारी दे रहा है। तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, लिफ्टअप किया गया, जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी वासु दे रहे हैं कि बच्ची को पहले ऊपर लाया गया क्योंकि 100 फीट गहराई में बच्ची जाकर फंस गई थी। कुछ खास इक्विपमेंट सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास है, रस्सी लेकर गए, कुछ हाथ में कुछ खास और इक्विपमेंट्स भी नजर आए, साफ तौर पर ये देखा जा रहा है। लेकिन अभी जो जानकारियां कहीं और से ये दी जा रही हैं कि बच्ची बाहर आ गई है, ये अभी हुआ नहीं है। उसको निकालने का, सृष्टि को निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जान का सवाल है, छोटी सी बच्ची है और उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए इसके लिए ही ये प्रयास किए जा रहे हैं। और पहले समानांतर गड्ढा खोदा गया लेकिन उससे बात बनती नजर नहीं आई, इसलिए हुक का इस्तेमाल किया गया क्योंकि बच्ची गहराई में चली गई और 100 फीट गहराई में ये बच्ची फंसी हुई। सृष्टि थोड़ा ऊपर किया गया, ऊपर लाया गया बच्ची को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल कुछ दिक्कतें आ रही हैं जाहिर तौर पर इसी वजह से, वरना बच्ची अगर निकल रही होती और निकल गई होती तो अब तक उसे अस्पताल भी पहुंचा दिया गया होता। एम्बुलेंस तैयार खड़ी है, डॉक्टर्स वहीं पर तैयार खड़े हैं, तमाम सेना के लोग मौजूद हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, लेकिन अभी समय है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां पर प्रयास किए जा रहे, भरपूर प्रयास किए जा रहे, अंतिम दौर में है ये सब कुछ, लेकिन बच्ची को अभी निकाला नहीं गया है। बच्ची को निकालने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अवंतिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है, अवंतिका लगातार कोशिशें की जा रही हैं लेकिन अभी कामयाबी थोड़ी दूर नजर आती। निश्चित तौर पर पुनीत, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, इस बात को लेकर लगातार एसडीआरएफ की टीमें और एनडीआरएफ की टीमें भी प्रयास करती हुई, आर्मी के जवान जैसे यहां पर पहुंचे, उम्मीद लगातार बढ़ती हुई। एम्बुलेंस को तैयार रखना हो, इस तरह की गतिविधियां हो, बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं बताता है कि अंतिम दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन, साथ ही साथ परिजन जो कि लंबे समय से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी बच्ची उनके पास मौजूद हो, इसी ओर कवायद लगातार बढ़ती हुई। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है, हमारे सहयोगी वासु जौहरे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। 27 घंटे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बीत चुके हैं, उम्मीदें अब लगातार बढ़ती हुई, पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से प्रयास हुए लेकिन चूंकि कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई, वाइब्रेशन की वजह से काफी ज्यादा चुनौती आई, लेकिन अब
आर्मी के जवान जो कि हुक लगाकर स्पेशल इक्विपमेंट के जरिए इस बच्ची को लिफ्ट अप करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। ये तस्वीरें बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आखिरी दौर में, आखिरी चरण में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जल्द से जल्द इस बच्ची को निकाला जाएगा, सृष्टि को बचाया जाएगा। इस मुहिम के साथ न्यूज 18 लगातार मेगा कवरेज इस पूरे घटनाक्रम को दिखा रहा है, आपको सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। ये जो तस्वीरें बहुत खास भी हो जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और सबक देने वाली भी हो जाती हैं कहीं ना कहीं। जिस तरह की घटनाएं लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं, जो कि हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर डिटेल्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, कब कब कहां कहां बोरवेल हादसे हुए, इसकी जानकारी लगातार निकलकर सामने आती है। सरकार की तरफ से भी कई सारे कदम, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई। हालांकि प्राथमिक तौर पर अभी यही जानकारी कि अभी तकनीकी कारणों की वजह से थोड़ा सा डिले। सहयोगी वासु लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ देख पा रहे हैं अभी वहां? अवंतिका, लगातार जो फोर्सेस की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है और पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं कि उनसे बात कर सकें और ये जान सकें कि बच्ची को अभी वापस ऊपर लाने में कितना समय लग सकता है। आप देखेंगे तस्वीरों में एक बार फिर से रोप वहां पर अंदर भेजी गई है और प्रयास किया जा रहा है कि बच्ची को ऊपर लिफ्टअप किया जाए और जो अधिकारी हैं वो लगातार नजरें बनाए हुए हैं कि बच्ची का क्या मूवमेंट है, बच्ची किस जगह पर है और उसे कैसे लिफ्टअप किया जा सकता है। इन पूरी चीज़ों पर जो है वो काम चल रहा है और संभावना ये है कि जब पहले मूवमेंट तेज हुआ था तब बच्ची हुक में फंसी हुई थी और उसे ऊपर लिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन किसी वजह से एक बार फिर से जो डिले है वो यहाँ पर बढ़ गया है क्योंकि मूवमेंट एकदम से काफी तेज हुआ था। एम्बुलेंस पूरी तरह से तैयार हो गई थी, जो डॉक्टर्स की टीम है वो एकदम मौके पर मौजूद थी और ये लगभग समझा जा रहा था कि बच्ची किसी भी वक्त ऊपर आ सकती है, लेकिन इस सब के बीच थोड़ा सा जो डिले है वो बढ़ गया है और कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाली बात अवंतिका मुझे यहाँ पर लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से तेजी आई थी इस पूरे अभियान में और ये माना जा रहा था कि बच्ची ऊपर आ चुकी है और किसी भी वक्त वो हमारे सामने होगी, लेकिन ऐसा नहीं फिलहाल हुआ है, ये थोड़ी चिंताजनक बात है। और अभी भी आप देखेंगे कि जो टीम्स हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अपने अंजाम तक पहुंचाने में लगी हुई है। हम सभी होपफुल हैं, यहाँ पर जिस तरीके की गतिविधियां हैं, हम सभी को ये जानकारी मिल रही है कि बच्ची बहुत ज्यादा अब दूर नहीं है और किसी भी वक्त वो बाहर आ सकती है, लेकिन ये इंतजार कितना लंबा होगा ये स्पष्ट रूप से कोई भी बता नहीं पा रहा है और यही सबसे बड़ी चिंता का कारण है, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन देखिए, कोशिशें लगातार जारी है, जो हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सांस लेने की भी किसी ने फुर्सत नहीं ली है, चैन की सांस किसी ने भी नहीं ली है और लगातार जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और किसी भी वक्त बच्ची ऊपर आ सकती है, क्योंकि जो दूसरी तरफ प्रयास लगातार देखे जा रहे हैं। हम दर्शकों तक भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वासु, आप जिस तरह की गतिविधियां फिलहाल आप वहां नोट कर रहे हैं, क्या कोई अंदाजा कि कैसे और कब तक इस बच्ची को निकाला जा सकता है? साथ ही साथ मूवमेंट को लेकर भी जानकारी दीजिए, आखिरी बार कब तक मूवमेंट देखी गई थी, क्या इस बारे में कोई जानकारी साझा की गई है? देखिए, लंबे समय से अगर मैं सृष्टि की बात करूं तो लंबे समय से उसका कोई मूवमेंट नोट कैमरे में नहीं हुआ था। SDRF, NDRF और आर्मी की जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है, लगातार प्रयास यहां पर जरूर कर रही है कि बच्ची को अब बाहर निकाला जाए किसी भी तरह, और उसी में थोड़ा सा जो डिले है वो यहां पर हमें लगातार देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से आप देखेंगे कि रोप जो अंदर डाली गई थी उसे बाहर लाया जा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि बच्ची अब कितनी डेप्थ पर है उसको शायद समझने की कोशिश यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो शायद कर रही हैं, और थोड़ा सा और यहाँ पर अब इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में अब टाइम जो है लगता हुआ वो यहाँ पर नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली अवंति का भी कुछ भी कहना मुश्किल है यहाँ पर कि कितना समय और लग सकता है या बच्ची अब कितनी हाइट पर अंदर फंसी लगातार बनी हुई। लगातार निगरानी बनाए रखेगा, नजर बनाए रखेगा कब तक इस बच्ची को बाहर निकाला जाता है, इस बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द सफलतापूर्वक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा यहाँ पर कर लिया जाएगा।